नमस्कार दोस्तों, मैं रविरंजन स्वागत करता हूँ आप लोग को क्रिप्टो करेंसी के दुनिया में। सो दोस्तों, आपके द्वारा बहुत ऐसे कमेंट हमें देखने को मिलता है जिसमें कि बहुत सारा कमेंट देखता हूँ कि सर ऐसा क्वाइन बताया जो कि 100x प्रॉफिट दे, फिर हम 100x जैसा क्वाइन को कैसे पहचाने। तो देखिए, सबसे पहला जो आपको बता दूँ कि 100x प्रॉफिट देने के लिए, फिर 100x क्वाइन पहचानने के लिए, आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप वैसे ही पैसा को इन्वेस्ट करें ताकि वो अगर आपका लॉस में चला जाए या फिर लाइक आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना पड़े तो आपको टेंशन ना हो, तभी आपको 100x प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में ऐसे कुछ कोई क्वाइन लेकर आया हूँ जो कि आपको 100x जैसा प्रॉफिट दे सकेगा। लेकिन जैसे बताएँ कि अगर आप इसे मनी को लूज करना चाहें या फिर उसे होल्ड करेंगे तभी आपको 100x जैसा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। फिलहाल दोस्तों, जैसा कि जान रहे अभी सिंगापुर में हूँ तो टाइम टू टाइम आपको अपडेट दे रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल यहाँ पे उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। आप देख सकते हैं आउटडोर आके मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और सिंपली सम क्वाइन पे चर्चा करते हैं कि वैसे कौन सा क्वाइन है जो कि 100x हमें प्रॉफिट दे सके फ्यूचर में, और कितने टाइम तक हमें होल्ड करना पड़े ताकि 100x प्रॉफिट दे। तो देखिए, यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट अगर हम क्वाइन रखा हूँ तो सबसे फर्स्ट क्वाइन हमारे पास एक आ रहा है विन क्वाइन, जो कि लाइक मतलब ट्रोन के इकोसिस्टम से वर्क करती है। विंग क्वाइन का यूज केस तो आप लोगों को अच्छे से पता है, इसके बारे में काफ़ी डिटेल्स में वीडियो बना भी चुका हूँ। तो आप एक विंग क्वाइन को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, बट कितना रखना, कितना परसेंट रखना है इस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हम क्वाइन के लेकर चर्चा कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर आपको विंग क्वाइन को रखना है, जो कि आपको ऑलमोस्ट सभी एक्सचेंजेस पर देखने को मिलेगा, चाहे तो आप लाइक अभी डेक्स पे भी, क्योंकि इंडिया में क्रिप्टो टैक्स और TDS के लेके भी आपको टेंशन हो रहा होगा, तो आप इसे बाइनेंस और आप लाइक मतलब ट्रस्ट वॉलेट जैसे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से भी परचेज कर सकते हैं। यहीं पे दोस्तों जो हम सेकेंड क्वाइन लेकर रखे हैं, आपको आई थिंक ताजुब लगेगा कि मैं आखिर इस क्वाइन के बारे में क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, बट दोस्तों मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, इसका रीजन है। सेकेंड क्वाइन मैं रखा हूँ LUNC, लूना क्लासिक। अब दोस्तों आप बोलेंगे कि लूना तो चूना लगा दिया है, तो पर भी सर आप फिर से हमारा क्यों चूना लगवाना चाह रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, लूना चूना लगाया है लेकिन लूना प्रॉफिट भी दिया है, स्टार्टिंग में 2021 वाले होल्डर्स को काफ़ी सारा प्रॉफिट दिया है। बट अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ कि लूना में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए LUNC में, बिकॉज दोस्तों लूना का जो प्राइस है बिल्कुल ना के बराबर है। और अगर हम आज की डेट देखिए, हाँ इसमें नहीं कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो आपको एक ही बार अपने 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000 इन्वेस्टमेंट करना है, हाँ एक लिटिल अमाउंट जो कि आप मतलब जैसा कि आपका कमेंट है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है 100x प्रॉफिट चाहिए, तो 100x लेने के लिए आपको हाई रिस्क वाले क्वाइन में इन्वेस्टमेंट करना होगा, आपको हाई रिस्क के साथ इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो LUNC में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, थोड़ा बहुत भी करेंगे, तो दोस्तों ये गारंटी के साथ इसमें है कि LUNC आगे चल के आपको 100x जैसा प्रॉफिट दे सकता है, बट हाई रिस्क और लॉन्ग टर्म। दोस्तों ये आपका सेकेंड नंबर क्वाइन है। एंड अगर हम थर्ड नंबर की बात करेंगे तो बेबी डॉज क्वाइन को मैं रखा हूँ, बिकॉज दोस्तों अगर हम आज से 2 दिन पहले मतलब लास्ट के वीडियो में मतलब इसके बारे में बताया हूँ कि बेबी डॉज क्वाइन का एक अपडेट भी देखने को मिला है कि हो सकता है इस ईयर के एंड तक और 2023 के ईयरली आपका बेबी डॉज क्वाइन बाइनेंस पे लिस्ट होते नजर आएगा। ओके, इस बीच में इसका NFTs और काफ़ी सारे यूज केस भी एड ऑन हो रहा है। लेकिन यहीं पे एक कमेंट में मुझे देखने को मिला कि मतलब लाइक जो कि वर्ल्ड का top 3 एक्सचेंज है OKX, उस पर बेबी डॉज क्वाइन को लिस्ट किया है, तो क्या उखाड़ लिया है। दोस्तों मैं बोलना चाहता हूँ कि OKX और बाइनेंस आसमान ज़मीन का अंतर है। बाइनेंस है दोस्तों क्रिप्टो है, मतलब हम मानते हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों बाइनेंस है क्रिप्टो। अगर आज की डेट में बाइनेंस बोले मैं अपना पूरा सेटअप को बंद कर रहा हूँ, मुझे अब क्रिप्टो में कुछ नहीं करना, अपना आगे नहीं चलना है, तो दोस्तों क्रिप्टो मार्केट आज अगर 70-80% डंप है तो कल के डेट में दोस्तों ये 99% भी डंप हो सकता है और ख़त्म भी हो सकता है। इस वजह से आपको बेबी डॉज क्वाइन को लॉन्ग टर्म सोच के होल्ड करना था। दोस्तों ये थर्ड नंबर क्वाइन है। एंड यहाँ पर अगर हम फोर्थ नंबर क्वाइन के बात करें दोस्तों, तो फोर्थ नंबर क्वाइन आपका आता है BTTC, बिट टोरेंट न्यू। ये भी दोस्तों ट्रोन के इकोसिस्टम्स पे वर्क करते हैं, ट्रोन ब्लॉकचेन पे, और इसका अगर देखा जाए दोस्तों तो ये भी काफ़ी अच्छे यूज केस वाले काफ़ी पोटेंशियल क्वाइन है, तो आप इसे भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। एंड अगर हम दोस्तों बात करेंगे फिफ्थ नंबर, तो दोस्तों आपका चहेता आपका फेवरेट क्वाइन शिबा इनू। अब दोस्तों आप बोलेंगे शिबा इनू आप करते रहते हैं, शिबा इनू पंप नहीं करता, बट दोस्तों बता दो
कि जो लोग 2021 के मई जून और जुलाई में इन्वेस्टमेंट किया था उसे अक्टूबर में 100x और 200x जैसा प्रॉफिट मिला, आपको भी पता है, लेकिन वो लोग सबर किया तब प्रॉफिट मिला। आप सोच रहे हैं कि हम पीक अमाउंट पे लिए हैं हमें 100x प्रॉफिट मिले, तो नहीं दोस्तों, बिकॉज मार्केट का जो सिचुएशन है बिल्कुल डगमाडोल है, यहाँ पे काफ़ी हाई रिस्क होगा, बट आप इसी को लॉन्ग टर्म सोचेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। अब दोस्तों जितनी भी आपको टॉप जो कॉइन बताया, 5 कॉइन जो बताया जिसमें कि फ्यूचर में 100x प्रॉफिट देगा, तो आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना था। देखिए दोस्तों, हमेशा आप वो पैसा इन्वेस्ट करें जो कि आप मतलब चला जाए लूना की तरह, तो आप सोचे नहीं। सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको रखना, सेकेंड जो पॉइंट आपको रखना है कि अपने पोर्टफोलियो सपोर्टेड, आपका पोर्टफोलियो टोटल 1 लाख का है, तो 1 लाख का है तो इन सब क्वाइन में आप 10% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 2-4% डाल के आप इसे होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। एंड दोस्तों मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि अभी आप कहाँ से परचेज करें, तो फिलहाल आप ट्रस्ट वॉलेट के द्वारा परचेज कर सकते हैं, बिकॉज दोस्तों एक और नया फीचर हमें देखने मिल रहा है ट्रस्ट वॉलेट में कि आप ट्रस्ट वॉलेट के द्वारा डायरेक्ट बाइनेंस से कनेक्ट करके परचेज कर सकते हैं। मतलब आपका टोकन जो परचेज करेंगे वो आपका ट्रस्ट वॉलेट पे रहेगा, बट आप जो पेमेंट करेंगे वो आपका बाइनेंस के द्वारा रहेगा, जो कि बहुत अच्छा फीचर्स है जो कि आप यूज कर सकते हैं। और अगर आप बाइनेंस यूज करना चाहें तो बाइनेंस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो दोस्तों आज के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो था, और आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं सिंगापुर में हूँ तो टाइम उतना नहीं मिल पाता है जो कि कंटिन्यू आपको अपडेट करते रहूँ, बट बहुत जल्द ही आपको कंटिन्यू अपडेट करूँगा। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।